topic is obstetric cholestasis. जैसे कि नाम में है obstetric cholestasis means pregnancy में होने वाला cholestasis means bile में stasis. तो ये क्या होता है कि जो इसको और भी नामों से जानते हैं जैसे intrahepatic cholestasis या recurrent jaundice in pregnancy. तो इन नामों से भी हम जानते हैं. तो इसमें क्या होता है कि मेनली ये लीवर से रिलेटेड डिजीज होती है, लीवर डिसऑर्डर होता है इसमें, जिसमें क्या होता है कि जो बाइल एसिड का लेवल होता है वो ब्लड में इंक्रीज हो जाता है इसमें, ठीक है. तो इसकी वजह से सिम्टम्स आते हैं पेशेंट में. तो बाइल एसिड इंक्रीज होने की वजह से मेन सिम्टम इचिंग होती है पेशेंट को, इचिंग, ठीक है. तो इसके कॉज क्या क्या हो सकते हैं, तो इसके कॉज देखते हैं हम. जो एग्जैक्ट कॉज है इस कंडीशन का वो अननोन है, मतलब इसका एग्जैक्ट कॉज नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ हॉर्मोनल या फिर इन्वायरमेंट या कुछ जेनेटिक कॉज हो सकते हैं. हॉर्मोन जैसे जो प्रेगनेंसी में ईस्ट्रोजन का लेवल हाई रहता है, तो ईस्ट्रोजन के लेवल की वजह से जो ईस्ट्रोजन का लेवल है वो कई बार लीवर को अफेक्ट करता है, लीवर के वर्क को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से लीवर में जो बाइल है उसका फ्लो रुक जाता है, उसका फ्लो में मतलब स्टेसिस हो जाता है उसके फ्लो में, ठीक है. तो वो अगर बाइल लीवर से गॉल ब्लैडर में या फिर गॉल ब्लैडर से इंटेस्टाइन में आते हैं, जो भी कैलेंडुला है वहाँ से पास होता है, तो वहाँ कहीं भी उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है या फिर स्टोन फॉर्म भी हो जाता है, स्टोन का फॉर्मेशन भी हो जाता है. और दूसरा जेनेटिक या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कैसे कॉज हो सकते हैं, जेनेटिक उस स्पेशल रेस या फिर कुछ प्रजाति या कुछ अलग जो इथनिकल होते हैं उनमें मेनली ये कंडीशन देखने को मिलती है, या फिर फैमिलियल हिस्ट्री हो, जेनेटिक हो सकता है, अगर फैमिली हिस्ट्री में पहले हो तो रिकरेंट बार बार ये देखने को मिल सकता है. और अगर एक बार एक प्रेगनेंसी में ये डेवलप हो जाए तो उसके चांसेस रहते हैं कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी ये डेवलप हो. और इन्वायरमेंट में जैसे कुछ डाइटरी हो सकता है, कुछ डाइट से रिलेटेड कुछ एबनॉर्मलिटी हो लीवर में. देन उसके बाद में देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स. तो क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं, क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या देख सकते हैं. मेनली ये थर्ड ट्राइमेस्टर में ही देखने को मिलती है ये कंडीशन, और 32 वीक के आसपास में. तो इसमें मेन क्लिनिकल फीचर जो होता है, मेन सिम्टम जो दिखाई देता है वो होता है प्रूराइटिस मीन्स इचिंग, मतलब जो इचिंग मेनली कहाँ जनरलाइज इचिंग भी हो सकती है, लेकिन मेनली ये हाथों में होती है, पाम में एंड सोल में होगी, ठीक है. और फिर उसके बाद में ये सोल में होगी, पाम में होगी, उसके बाद में ये लेग्स और हैंड्स में भी स्प्रेड हो जाती है. और उसके बाद में जो इचिंग होती है वो मेनली नाइट में होती है ज़्यादा. तो नाइट में इचिंग होने के कारण जो वुमन है उसकी स्लीप में भी डिस्टरबेंस होता है, जिसके कारण उसको वीकनेस फील होती है दिन में, क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं हो पाएगी तो वो वीकनेस फील करेगी. और उसके इसके अलावा क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, फिर वीकनेस तो होगी, कई बार जॉन्डिस भी हम इनमें देख सकते हैं. जॉन्डिस अगर होगा तो इसमें क्या होगा, जॉन्डिस में येलो स्किन हो जाएगी, येलो स्क्लेरा दिखाई देगा या येलो कलर की स्किन हो जाएगी वुमेन की. और कई बार क्या होता है कि वुमेन अनवेल होती है, मतलब उसको अच्छा फील नहीं होता, अच्छा फील नहीं करती है वो, या फिर जो उसकी भूख है, एपेटाइट है, वो भी कम हो जाती है. और जॉन्डिस होगा तो और इसमें क्या क्या सिम्टम्स होंगे, जैसे पेल कलर की स्टूल होगा, ठीक है, स्टूल का कलर पेल हो जाएगा, क्योंकि जो बाइल एसिड्स हैं वो ब्लड से ब्लड में आ गए हैं, तो वो इंटेस्टाइन में नहीं जाके ब्लड में आ रहे हैं इस वजह से. और यूरिन का कलर है वो भी डार्क हो जाएगा, क्योंकि ब्लड में बाइल एसिड जा रहे हैं. और
इसके अलावा डायग्नोसिस क्या देख सकते हैं हम, डायग्नोसिस कैसे करेंगे इसका, जैसे कि इचिंग करेंगे, इचिंग देखेंगे, तो इचिंग में इचिंग की लोकेशन क्या है, इचिंग की कितनी इंटेंसिटी हो रही है, तो वो सब हम देखेंगे, और स्किन का इंस्पेक्शन करेंगे, स्किन का कलर वगैरह वो सब देखेंगे जॉन्डिस के लिए, और ब्लड टेस्ट करेंगे, कुछ लीवर फंक्शन के लिए टेस्ट करेंगे। तो उसमें क्या क्या होगा, लीवर फंक्शन टेस्ट में जो ALT और AST का लेवल इंक्रीज होगा, ALT मीन्स एलालिन ट्रांस अमाइनेज जो एंजाइम होता है, और AST मीन्स एस्पार्ट्रेट ट्रांस अमाइनेज एंजाइम, ये एंजाइम जो लीवर की सेल्स में होते हैं, तो लीवर में कुछ भी डिसफंक्शन होता है तो इनका लेवल बढ़ जाता है ब्लड में, और जॉन्डिस कंडीशन में ग्लोबिन का लेवल भी बढ़ावा मिलेगा ब्लड में, ठीक है। तो उसके साथ साथ में डार्क कलर का यूरिन, पेल स्टूल एंड या फिर स्टिटोरिया भी देखने को मिलेगा, फैट इन स्टूल या फिर मेलेज होगी पेशेंट। और उसके अलावा USC करेंगे, तो USC में जो लीवर में कुछ एबनॉर्मलिटी है वो दिखाई देगी, या फिर स्टोन है, गोल स्टोन है, तो वो भी हमको यूजिंग दिखाई देंगी। इसके अलावा लीवर बायोप्सी भी की जा सकती है, जिसमें लीवर से कुछ लीवर के टिश्यू वगैरह सेल वगैरह लेके हम उसका इंस्पेक्शन किया जाता है, कुछ एबनॉर्मलिटी हो तो उसमें देखा जाता है। उसके बाद में कॉम्प्लिकेशन इसके क्या क्या होंगे, कॉम्प्लिकेशन में इसमें प्रीटर्म लेबर हो सकता है, मतलब बिफोर 37 वीक ऑफ जेस्टेशन से पहले लेबर होना, या फिर लो बर्थ वेट बेबी, या फिर जो हाँ, और इसमें जो इन ज़्यादा चांसेस इसमें क्या होते हैं कि जो बेबी होता है वो निकोनियम पास कर देता है, तो वो निकोनियम की वजह से क्या होगा कि जो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर है वो ग्रीन या फिर ब्राउन कलर का हो जाएगा, और उसमें अगर उस निकोनियम को अगर फीटस ने पी लिया है तो उसकी वजह से फीटस की डेथ भी हो सकती है, तो इंट्रायूटेराइन डेथ भी इसमें देखने को मिलती है, और PPH पोस्टमार्टम हेमरेज भी इसमें देखने को मिलता है। और उसके बाद में ट्रीटमेंट क्या करेंगे, जो ट्रीटमेंट है उसमें लीवर जो लीवर फंक्शन टेस्ट है वो करेंगे, तो लीवर फंक्शन टेस्ट हम एक या दो पर वीक हम करके देखते रहेंगे इसमें कि क्या कंडीशन हो रही है पेशेंट की, और उसके साथ साथ बेबी की मॉनिटरिंग भी करते रहेंगे बाय USG या CTG, और USG और उसका एमनियोटिक फ्लूइड का कलर देखेंगे कैसा है, और उसके बाद में उनको उसके सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए, उसको इचिंग हो रही है उसके रिलीफ के लिए कुछ क्रीम या ऑइंटमेंट दे सकते हैं पेशेंट को, ताकि कुछ टेम्परेरी रिलीफ मिल जाए उसको, या उसके अलावा एंटी हिस्टामिन दे सकते हैं, डाइपिन हाइड्रामाइन करके एक एंटी हिस्टामिन है तो उसको दे सकते हैं, और ये किस लिए दे सकते हैं, इचिंग के लिए भी होता है ये, और इंड्यूस स्लीप। और उसके बाद में इसके अलावा एक टेबलेट और होती है, मेडिसिन और देते हैं, एसिड होता है वो, आरसो डीऑक्सीकोलिक एसिड होता है वो भी देते हैं इसमें, तो वो डीऑक्सीकोलिक एसिड जो होता है वो ब्लड में बाइल एसिड के लेवल को डिक्रीज करता है। उसके अलावा और क्या करता है, आरसो डीऑक्सीकोलिक एसिड जो लीवर फंक्शन है, लीवर फंक्शंस को भी इम्प्रूव करता है, और उसके अलावा विटामिन के देंगे पेशेंट को, तो विटामिन के की डोज पर डे दी जाती है 10 mg पर डे, क्योंकि लीवर की फंक्शन है वो भी डिस्टर्बेंस हो गए, जो क्लोटिंग फैक्टर्स हैं उनमें डिस्टर्बेंस होने के कारण ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं पेशेंट में, इस वजह से विटामिन के उसको रेगुलर देना है, और डिलीवरी के बाद में फीटस को भी इमिजिएटली विटामिन के उसको देना है, और उसके साथ साथ प्रोथ्रोम्बिन का लेवल भी मॉनिटर करते रहना है। और उसके बाद में डिलीवरी, जो डिलीवरी हम कंडक्ट कराएं वो जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश करेंगे पेशेंट की, पहले उसकी जनरल कंडीशन स्टेबलाइज करने के बाद में उसकी डिलीवरी करवाएंगे। अगर सीवियर कॉम्प्लिकेशन है उसको तो बिफोर 37 वीक हम उसकी डिलीवरी करवाएंगे, और अगर सीवियर अगर उसके ब्लड टेस्ट में कोई इम्प्रूवमेंट है या फिर उसके सीवियर सिम्टम्स आ रहे हैं
तो उस कंडीशन में बिफोर 37 वीक उसकी डिलीवरी हम करवा सकते हैं। तो अगर बिफोर 37 वीक डिलीवरी करवाएंगे तो उसमें सिजेरियन सेक्शन के ही चांसेस होते हैं, सिजेरियन सेक्शन से डिलीवरी करवाएंगे और साथ में फिटल मॉनिटरिंग भी कंटिन्यूस होगी उसमें, और जो नियोनेट है उसकी मॉनिटरिंग कंटिन्यू होगी, उसको स्पेशल केयर प्रोवाइड की जाएगी। उसके साथ साथ उसके बाद में जो डिलीवरी के बाद में फॉलो अप केयर होगी उसमें, उसके बाद में वुमेन का कंटिन्यू चेकअप होगा ताकि जो लीवर है वो नॉर्मल फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सब उसका नॉर्मल जो लीवर की फंक्शनिंग टेस्ट है वो सब डिलीवरी के बाद में भी किए जाएंगे। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्यूट फैटी लीवर ऑफ प्रेगनेंसी AFLP। तो ये क्या होता है कि जो एक्यूट फैटी लीवर ऑफ प्रेगनेंसी है ये एक रेयर कंडीशन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और ये स्पेसिफिक लीवर डिजीज होती है जो कि बहुत सीवियर और पोटेंशियली फैटल डिजीज है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और ये प्रेगनेंसी को कॉम्प्लिकेटिंग बनाती है ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर में ये प्रेगनेंसी को कॉम्प्लिकेटेड बनाती है ये डिजीज। तो और इसके कोज देखते हैं तो इसका कोज कोई पैथोलॉजी इसकी अननोन है, इसका एग्जैक्ट कोज अननोन है अभी, लेकिन इसको एक कोज है जो जैसे कि जो फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म है इफेक्ट हो जाता है प्रेगनेंसी में, तो इस वजह से ये कंडीशन अराइज होती है तो फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म डिफेक्ट। और इसके क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं, अपन क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं इसमें, जैसे पेशेंट को नोजिया, वोमिटिंग या फिर मलेज, लॉस ऑफ एपेटाइट या लॉस ऑफ वेट, वेट की कमी, वेट कम होगा, या फिर पेन इन एपिगैस्ट्रिक रीजन, या तो एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन होगा या फिर राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होगा पेशेंट को। और अगर जॉन्डिस की कंडीशन, इसके बाद में जॉन्डिस की कंडीशन अराइज हो जाती है तो वो पेन सीवियर भी हो सकता है, और अगर इसको टाइमली ट्रीट नहीं किया जाएगा तो कम्प्लीटली लीवर फेलियर के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करेंगे हम, इसके डायग्नोसिस क्या क्या करेंगे इसमें, पहले जो अगर जॉन्डिस है तो बिलरुबिन का लेवल चेक करेंगे, तो इसमें हाइपर बिलरुबिनेमिया देखने को मिलेगा, और इसके अलावा एलिवेटेड हेपेटिक ट्रांसमाइनेज एंजाइम है वो भी, और जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है वो प्रोलॉन्ग होगा, और इंक्रीज इन अमोनिया एंड यूरिक एसिड, ये अमोनिया और यूरिक एसिड का लेवल ब्लड में इंक्रीज मिलेगा। उसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा, और कोआगुलोपैथी मतलब तो कोआगुलेशन जो प्रोफाइल्स हैं उनमें भी एबनॉर्मलिटी होगी। उसके अलावा जो यूएसजी या सीटी स्कैन करेंगे तो इसमें यूएसजी या सीटी स्कैन में बहुत ज़्यादा फाइंडिंग नहीं पता चलेगी हमको, लेकिन जो एमआरआई है वो हम कर सकते हैं इसके लिए, तो एमआरआई इसके लिए अच्छा एक डायग्नोसिस हो सकता है। इसके अलावा लीवर बायोप्सी करेंगे, तो लीवर बायोप्सी में हमको जो लीवर के जो फंक्शनिंग एबनॉर्मलिटी है वो हमको दिखेगी उसमें, या फिर कोई कोआगुलेशन सिस्टम में चेंज हो रहा है वो भी पता चलेगा। इसके अलावा जो हिस्टोलॉजी में हमको जो हिपेटोसाइट्स हैं उनके अंदर, जो हिपेटोसाइट्स में जो साइटोप्लाज्मा है उनके अंदर हमको वैक्यूल्स ऑफ फैट दिखाई देंगे, मतलब साइटोप्लाज्मा के अंदर वैक्यूल्स ऑफ फैट का कलेक्शन होगा तो वो हमको इसमें दिखाई देगा, ठीक है। इसके अलावा और कॉम्प्लिकेशन इसके क्या क्या हो सकते हैं, तो कॉम्प्लिकेशन इसके क्योंकि इसमें हाई फैटलिटी के रेट होते हैं तो कॉम्प्लिकेशन इसमें मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है, ठीक है, या पेरीनेटल या मैटरनल डेथ हो सकती है, या फिर मोर्टलिटी मोर्बिडिटी रेट भी इसमें हाई होगी। और उसके बाद में इसमें ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, तो ट्रीटमेंट के लिए हमको स्पेशली ICU की ज़रूरत पड़ेगी पेशेंट के लिए, और उसके साथ साथ ऑब्स्टेट्रिशियन और हिपेटोलॉजिस्ट एंड फिजिशियन एंड एनेस्थोलॉजिस्ट की भी
इसमें रिक्वायरमेंट होगी। उसके अलावा इसमें आईवी फ्लूड ट्रांसफ्यूज किया जाता है और कुछ एंटीबायोटिक्स मेडिसिन वगैरह है वो भी इसमें दी जाती है, क्योंकि जो ग्लूकोज का लेवल अगर कम हो रहा है तो ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करने के लिए आईवी फ्लूड थेरेपी दी जाती है। इसके अलावा जो जो डिलीवरी है वो भी हमको एज सून एज करवा लेनी चाहिए फिटल, क्योंकि इसमें फिटल रिस्क भी इंक्रीज होता है, तो हमको डिलीवरी भी जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये हमने पढ़ा एक्यूट फैटी लिवर प्रेगनेंसी। ओके, थैंक यू।